की एक विशेष पहल है जिस पे हम निदेशक की हैसियत से राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केंद्र के विशेष आभार व्यक्त करते हैं अपने पोस्टमास्टर चीफ पोस्टमास्टर जनरल साहब का। यही लीची विश्व की सबसे अच्छी गुणवत्ता वाली जो वैरायटी है जाती है और बिहार में मुजफ्फरपुर के नाम से विशेष रूप से जानी जाती है। तो दो साल जो बीच में अपनी कुछ समस्याएँ भी रही हैं जिसके कारण जो है थोड़ी व्यवस्था में देरी हुई है निश्चित रूप से, लेकिन यह है कि यह समय है, अभी यह तो बहुत दूर तक जाना है। जीआई टैग ने मुजफ्फरपुर के शाही लीची एवं सुजनी कटाई को अंतर्राष्ट्रीय पहचान दिलाई है। पूरे विश्व में मुजफ्फरपुर की लीची प्रसिद्ध है तथा इस लीची को शहर के रूप में जाना जाता है। इसी कड़ी में डाक विभाग ने इस पहचान को आगे बढ़ाते हुए शाही लीची एवं सुजनी कटाई को विशेष आवरण के माध्यम से और व्यापार की पहचान दिलाने का प्रयास किया है। ये बातें बुधवार को बिहार के चीफ पोस्टर जनरल कर्नल जलेश्वर ने कही। वे नॉर्थ बिहार चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सभागार में भारतीय डाक विभाग के ओर से शाही लीची एवं सुजनी कटाई पर विशेष आवरण का विमोचन करने पहुंचे थे। आज का जो ये कार्यक्रम है विशेष आवरण के विमोचन का, जिसमें शाही लीची का भी विमोचन स्पेशल कवर का आज हुआ, इस विशेष आवरण का हुआ, यह डाक विभाग की एक विशेष पहल है जिस पे हम निदेशक की हैसियत से राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केंद्र के विशेष आभार व्यक्त करते हैं अपने पोस्टमास्टर चीफ पोस्टमास्टर जनरल साहब का कि उन्होंने कम से कम इस टैग को, इस शाही लीची के जो बिहार की एक अप्रतिम देन है, इसको देश विदेश तक जो है पहुंचाने का काम किया है। आशा है कि इस जीआई टैग के माध्यम से और इस प्रचार प्रसार के माध्यम से निश्चित रूप से शाही का जो है देश और विदेश तक जो है वो डिमांड होगी। आज की स्थिति में शाही लीची विश्व की सबसे अच्छी गुणवत्ता वाली जो वैरायटी है जाती है और बिहार में मुजफ्फरपुर के नाम से विशेष रूप से जानी जाती है, और जीआई टैग मिलने के साथ साथ इसकी महत्ता और बढ़ गई है। और जो आज का ये कार्यक्रम है, आशा है कि शाही लीची को और दूर तक जो है इसकी सुगंध को जो है फैलाएगा और प्रचार प्रसार के साथ साथ निर्यात में भी जो है उसकी संभावना अच्छी बढ़ेगी। टैग मिले हुए सर, जीआई टैग मिले हुए 2 साल हो गए, आवरण पे आने में 2 साल लग गया, थोड़ा सा देरी नहीं? नहीं, देखिए देरी की बात नहीं है, यह इसका क्या है कि प्रचार थोड़ा दो साल जो बीच में अपनी कुछ समस्याएँ भी रही हैं जिसके कारण जो है थोड़ी व्यवस्था में देरी हुई है निश्चित रूप से, लेकिन यह है कि यह समय है, अभी यह तो बहुत दूर तक जाना है और इसमें आज की पहल निश्चित रूप से जो है वो बहुत ही प्रभावी होगी और दूर तक जो है इस बात को पहुंचाएगी कि हमारी शाही लीची जो है मुजफ्फरपुर की एक अप्रतिम भेंट है और अच्छा इसका जो है लाभ मिलेगा।